ये वाला व्यू है जिसके देखने के हमने इतने पैसे और इतनी जलालत काटी, ये वाला वो व्यू है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू काशकर। इस वक्त हम काशकर पहुंच चुके हैं और काशकर से हमने यहाँ से एक टैक्सी लेनी है। टैक्सी लेके जो है हमने जाना है, क्या नाम है उसका, ताशकुरगान बिगत, जगह का नाम है ताशकुरगान बिगत। अगर किसी ने भी आना हो काशकर के रेलवे स्टेशन पे पहुँच कर टैक्सी वाले को बोल दे ताशकुरगान बिगत जाना है, तो वो आपको एक अड्डे पर छोड़ देगा। उस अड्डे का नाम है ताशकुरगान बिगत, मतलब यहाँ से जो है वो गाड़ियाँ निकल के जाती हैं ताशकुरगान वाली साइड पर, ठीक है। ताशकुरगान बिगत उसका नाम है। जब यहाँ पर आप लोग आओगे टैक्सी वाला आपसे, हम एक टैक्सी में दो बंदे बैठे थे तो उसने हमसे लिए हैं 30 RMB एक टैक्सी के, 15 ईच, मतलब एक बंदे के उसने 15 RMB हमसे चार्ज किए। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर आके हमने ये जो डाला बुक किया है या वो जो गाड़ी बुक की है, वो गाड़ी जो है एक बंदे से 120 RMB 125 RMB चार्ज करते हैं, लेकिन हमने उसको जो है वो डील डन की है और इसको हम दे के जा रहे हैं 100 RMB फी पर्सन। बड़ी सस्ती मिलती है हमें, बना नॉर्मली जो है वो 125 में जा रहे हैं। अभी 6 पाकिस्तानी गए हैं, वो भी 125 दे कर ही गए हैं। हमारी जो है वो किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी कि इस मामले में हमारी जो है 25 RMB की डिस्काउंट हो गई है, यानी पाकिस्तानी 1000। खैर अभी हम अपना यहाँ से सफ़र कंटिन्यू करते हैं और बाकी आगे का जो भी लोग है वो हम ताशकुरगान जा के कंटिन्यू करेंगे। ये है भाई ताशकुरगान की सड़कें यानी रोडें, और हम इस वक्त जा रहे हैं ताशकुरगान बिगत, जहाँ से हमें एक डाला मिलेगा, वीगो डाला मिल जाए या हाई रूफ मिले, कोई भी मिल जाए, उसको लेके हमने जो है वो सीधा जाना है ताशकुरगान। पहले हमें ये था कि शायद हमें यहाँ से स्टेशन से मिल जाए डाला, लेकिन यहाँ से हमें नहीं मिला, टैक्सी मिली है बड़ी मुश्किल से। इसने भी जो है वो हमसे तकरीबन 5-10 RMB मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा ही चार्ज कर दें, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था। जब सामान बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर टैक्सी वाले आ जो है वो आगे से नखरे दिखाते हैं, भाई ये नहीं तो वो नहीं, इसलिए हमें ये बंदा लेके जा रहा है 30 RMB में। लेकिन अगर एक बंदा हो उसके पास सामान वगैरह ना हो तो मेरे ख्याल से वो 25 या 20 RMB में आपको लेकर जाएंगे। ये है भाई शहर काशकर, काफ़ी सारे वेल भाई अभी इतना कि मतलब कि वो वाला हाल नहीं है जैसे कि पाकिस्तान के सिटीज हैं। ये तकरीबन सेम वैसे लुक दे रहा है जैसे कि ईरान का कैपिटल है तहरान, वो भी सेम ऐसी लुक देता है, और इनकी जो लैंग्वेज है वो तकरीबन पश्तो से मिलती जुलती है। अब इधर कहीं बोर्ड लिखा नज़र आ जाए तो आप लोगों को दिखा दूं, इनकी जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट पश्तो से मिलती है। और ताशकुरगान में इस वक्त जो है वो गर्मी है क्योंकि जुलाई का महीना है, नॉर्मली यहाँ पे मई के महीने तक या जून के शुरू तक बर्फ होती है इस इलाके के अंदर, लेकिन अब खैर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो अब यहाँ पर बर्फ शर्फ नहीं है। पिछले साल हमारी क्लास में एक बंदा आया था तो वो बता रहा है कि 1 जून को इस शहर में आया था तो उस टाइम यहाँ पर बर्फ थी। भाई ये वाली गाड़ी जो हमने करवाई है ये सामने, हम 6 बंदे हैं तो 600 RMB में हमने ये जो है पूरी की पूरी गाड़ी करवाई है, पाकिस्तानी बनता है 24,000 रुपये, ठीक है। ये हमें छोड़ के आएगा ताशकुरगान तक बॉर्डर पे, तो आगे का जो सफर हमारा सेपरेट होगा। ये सारा जो है काशकुरगान है, दो बंदे हमारे वो हैं सामने सुस्त। अभी हम यहाँ से इंशाल्लाह निकलते हैं और आगे जो फासला है सिर्फ 3 घंटे का, 3 या 3.5 घंटे में हम इंशाल्लाह ताशकुरगान होंगे। ये वाला भाई विजिटर सेंटर है जो चाइनीज यहाँ पर विजिट करने आते हैं, ये उनके लिए इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है।
ये वाली जो जगह है ये काशियर से ताशुरगान जाते हुए रास्ते में आती है, और यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, किसी ने खाना शाना खाना हो तो यहाँ पर इजीली खाना शाना खा सकते हैं। ये सामने है, व्यू बड़ा मजे का है। इसके जो बैक साइड वाले पहाड़ हैं वो सारे पहाड़ जो हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ से सिर्फ जो है ये एक हल्का सा नज़र आ रहा है ये वाला, बाकी नज़र नहीं आ रहे। जब हम करीब जाएंगे बाकी भी नज़र आ जाएंगे। लेवल का व्यू यार, इस ट्रक ने खराब कर दिया, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। तो ये वाला व्यू है जिसके देखने के हमने इतने पैसे और इतनी जलालत काटी, ये वाला वो व्यू है। 5 दिन ट्रेन का सफर, उसके बाद अभी हमें 4-5 घंटे हो गए हम ये गाड़ी में सफर कर रहे हैं। ये सारा जो सफर है भाई इस व्यू के लिए था, सारा का सारा। इस व्यू को देख के लग रहा है कि जो सुस्त वाला बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहाँ पर शदीद किस्म की जो है वो सर्दी हो सकती है, राउंड अबाउट भी 4-3 डिग्री। काशगढ़ से निकल के हम जो है ताशुरगान के रास्ते पे जा रहे हैं। हमें नहीं पता इस वक्त मैं किस जगह पर हूँ, लेकिन जो काशगढ़ से ताशुरगान का रास्ता है वो कम से कम ही 5-5.5 घंटे का है, इससे कम का रास्ता नहीं है। पता नहीं किसने कहा था कि ये रास्ता जो है 3 घंटे का, 3 घंटे का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम 5 घंटे और मैक्सिमम आपको 6 घंटे भी लग सकते हैं ये फासला कवर करते करते। उसके अलावा हम ताशुरगान जब पहुँचेंगे वहाँ पर जाके हमने एक तो होटल रेंट पर लेना है। उसकी वजह ये है कि इमिग्रेशन ऑफिस जो है हफ्ते वाले और इतवार वाला दिन होता है बंद, आप पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। 2 दिन हमें जो है वो होटल लेना पड़ेगा, वहाँ पे 2 दिन होटल स्टे करेंगे, और उसके बाद जो है हम मंडे वाला दिन सुबह सुबह 8 बजे बस लेके जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस, अपनी इमिग्रेशन करवाएंगे और पंजाब पास से होते हुए पाकिस्तान के सुस्की इलाके में पहुँचेंगे। हमें आइडिया नहीं था कि जो बॉर्डर है वो हफ्ते और इतवार वाला दिन बंद होता है, ना हमें किसी ने बताया भी था। अब खैर हम यहाँ पर आ गए हैं तो खैर देखी जाएगी आगे जाके क्या होता है। ये भाई एक आ गई है लेक, इसका नाम लिखा होता है ग्वांगशी शिनजियांग करके नाम से लिखा होता डैम है मेरे ख्याल, हाइड्रो पावर करके लिखा था मेरे ख्याल, ये डैम है और बड़ा लाजवाब व्यू है भाई इसका। चेक करो भाई क्या लेवल का व्यू है, और आगे ट्रैफिक भी लेवल की है भाई, हंस हंस के जा रहे हैं सुबह से। इस डैम के ऊपर जो है चाइनीज टूरिस्ट बैठे हुए हैं भाई, ये चेक करो। हम रास्ते में देख रहे थे बहुत सारे चाइनीज हैं इस रास्ते से गुजर रहे थे, हमें नहीं अंदाजा था कि इस साइड पे आ रहे हैं, पर हमें ये भी नहीं अंदाजा था कि रास्ते में हमें डैम मिल जाएगा ये वाला। बट्टी के पैसे पूरे हो गए हैं, पहाड़ देखने पहले। बट्टी साहब को पहाड़ बहुत पसंद है, बट्टी साहब की एक ही बात होती है पहाड़ देखने के लिए पहाड़ों पे चलते हैं। ओए ओए ओए, चाइनीज चेक करो चीड़ियों की वाली पहाड़ी घंसे नीचे। अच्छा ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये रेत है, जैसे स्कर्दू वाली साइड पे है ना एक डेजर्ट, ये सारा का सारा डेजर्ट है ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये टोटली सारा का सारा डेजर्ट है, और ये इसके फ्रंट पे जो है ये डैम है। अब ये जो हमारा ड्राइवर है ये बहुत तेज़ गाड़ी से आ रहा है, जिसकी वजह से मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, और इतनी मज़े की जो वीडियो है वो नहीं बन पा रही। अल्लाह इसको हज पे ले के जाए, है मुसलमान ही। उफ़
अखीर अखीर है यार, ये अंत है भाई, अंत है ये। ये चेक करो, एक ही लेक है, वहाँ पर नीले कलर का पानी है और यहाँ पर पानी का कलर चेंज है, ये भी पानी ही है सारा। और इससे आगे अगर इस साइड पे जाओ तो यहाँ पर भी नीला पानी है, देखो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ये कौन सी साइंस है? वाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशगर से ताशोगान के दरमियान में, तकरीबन जगह का नाम मुझे भी नहीं पता ये कौन सी जगह है, लेकिन उसके दरमियान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पीछे एक डैम गुजरा, काफ़ी बड़ा डैम था, उसके आगे एक और डैम या लेक आ गई थी, पता नहीं कौन सी थी, कनेक्ट हो रही थी आपस में। इसके पीछे ये वाला इलाका है, पहाड़ी पहाड़। हमारे क्लास में एक बंदा, उसको पहाड़ देखने का बड़ा शौक था, मुझे लगता है कि अल्लाह ने आज उसका वो शौक जो है वो पूरा कर दिया है और उसके चक्कर में हमें भी इतने सारे पहाड़ दिखा दिए। अभी ताशोगान का रास्ता जो है वो मेरे ख्याल से 128 किलोमीटर का रहता है, बहुत दूर है यार। पता नहीं किस बंदे ने बोला था कि ये जी 3 घंटे का सफ़र है, कम से कम भी भाई जो खासकर से लेके जहाँ से आप डाला लेते हो वहाँ से लेके जो ताशोगान का सफ़र है वो कम से कम भी जो है 5 घंटे का, कम से कम इससे ज़्यादा टाइम भी आपको लग सकता है। ये भाई ताशोगान हम पहुंच चुके हैं, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो सारे बिल्डिंग्स हैं ये होटल की बिल्डिंग्स हैं, वो सामने बसेस खड़ी हैं जो बस सर्विस है, यहाँ से बस लेके हमने आगे का सारा सफ़र करना है। ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम आए थे, SORMB दे के, ये हमारा सामान है और ये हमारे साथ वाले बंदे हैं। अभी हमने यहाँ पर जो है वो होटल एक फ़ाइन करना है, सस्ता सा जो हमें सस्ता सा होटल मिल जाएगा उसको हम लेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये सफ़र कोई 3 घंटे का नहीं है, जो भी बंदे YouTube पे बताते हैं बड़ी बकवास करते हैं, गलत बयानी करते हैं, कोई 3 घंटे का सफ़र नहीं है भाई, मिनिमम 5 घंटे का है और नॉर्मल 6 से 7 घंटे का ये सफ़र है, क्योंकि ये सफ़र आलमोस्ट 350 से ऊपर किलोमीटर का है और ये तय करते करते आपको टाइम लगता है। और ये रोड है इतनी कोई वो खुली नहीं है, तंग रोड है भाई। ये वाला कमरा जो हमने लिया है, एक ये बंकर बेड है, एक ये बंकर बेड है, एक ये बंकर बेड है, एक ये हम 6 बंदे थे, 6 का अपना अपना बिस्तर आ गया। ये चेक करो भाई, ये बिस्तर है, 7 तकिए और 7 आगे रजाई भी है, वो घातक ने छुपा लिया, ये बंदा घातक है। और ये हमें कितने में मिला है? सस्ता ही है। कितने में? 240 का। 240 का एक कमरा मिला है, तो पर हेड आगे हमें 40 RMB सस्ता मिल गया, बहुत सस्ता है। सफाई का खास ख्याल रखा हमने, वरना तो 100 में मिल जाता है कमरा, फिर गंदे कमरे में रहना तो 100 में मिल जाता है। सफाई अच्छी है और खास सफाई हमने रखी है उस भाई की वजह से रखी है। किधर गया भाई मेरा? भाई ये प्लीज आओ तो सही, वो सास हो भाई प्लीज, ये भाई नहीं आना चाह रहा। ये वो सामने एक लाइट लगी, वो देखो ठीक है, मैंने इससे बोला कि एक कमरे में लाइट लगी बाकी कमरे में क्यों नहीं लगी, तो ये मुझे कहती है, बताता हूँ क्या कहती है, ये मुझे कहती है कि एक मौलवी यहाँ पर आया था बड़ी दाढ़ी वाला और वो आके लाइट उठा के अपनी जेब में डाल के ले गया। ऐसे हरामी पाकिस्तानी है भाई।